गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ पार्ट 3 केमिकल बॉन्डिंग ऑफ क्लास 11th. एंड इन द लास्ट वीडियो ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इन द पार्ट 2 आई डिस्कस द लिटिल बिट अबाउट लुईस थ्योरी, लुईस लैंगबर्ट थ्योरी. एंड हेयर आई विल अगेन डिस्कस विद द लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूल्स, मीन्स द लुईस स्ट्रक्चर्स. सो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स कैन बी रिटन थ्रू फॉलोइंग स्टेप्स. तो अगर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखना है तो आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे. Your step number one is what? Calculate the total number of valence electrons of the combining atoms. अब जितने भी combining atoms हैं उस structure के अंदर Lewis dot structure बनाना है हमको. तो Lewis dot structure हम इस pattern से बनाएंगे. I'm using these rules, fine, or using these following steps. And Lewis structure के अंदर make sure कि आप सबका octet complete रखें. इस तरीके से आप बनाएंगे. तो पहला step है कि जितने भी combining atoms हैं सबके total number of valence electrons calculate कर लो. फिर अगर एनायन है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, कैटायन है तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो. एंड दिस गिव्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. इन द नेक्स्ट स्टेप बाय नोइंग द केमिकल सिंबल्स ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स, जितने भी कंबाइनिंग एटम्स हैं उनका केमिकल सिंबल आपको पता होना चाहिए. एंड नेक्स्ट आफ्टर प्लेसिंग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर सिंगल बॉन्ड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स मे काउंट फॉर ईदर मल्टीपल बॉन्ड और एज लोन पेयर्स. और जब आप हर एक एटम के बीच में एक मतलब हर एक दो एटम्स के बीच में अगर आप दो दो इलेक्ट्रॉन सबको दे देंगे या बॉन्ड बना देंगे एटम्स को, मींस जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में जब आप एक एक बॉन्ड सबको दे देंगे या बना देंगे या दो दो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसके बाद जो बचे हुए बॉन्ड्स होंगे बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो वो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाएंगे या वो लोन पेयर की तरह काउंट होंगे. एंड इट इज़ टू बी नोटेड दैट ऑक्टेट ऑफ ईच एटम शुड बी कंप्लीटेड. दिस इज द मेन पॉइंट कि आपको ये ध्यान में रख के बनाना है हर एक एटम का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो, क्योंकि लुईस का जो स्ट्रक्चर है ये ऑक्टेट रूल पे ही बेस्ड है. फाइन, अब दीज आर दी लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स विच आर गिवन. आप सी ओ का लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखें. आप सी यू काउंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब कार्बन और ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन काउंट करें कि कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, ऑक्सीजन के 6. टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स, 10 हो गए. कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन के पास 4 हैं, ऑक्सीजन के पास 6 हैं, टोटल कितने हो गए, 10. अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10. अब आप सबसे पहले क्या करें कि इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें कि कार्बन और ऑक्सीजन का क्या कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. तो हमने क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सबसे पहले, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन देखो 1, 2, 3, 4 दो बॉन्ड बना दिए, 4 इनको इलेक्ट्रॉन दे दिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 इलेक्ट्रॉन हो गए. अब कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ बट ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. तो ये जो लोन पेयर हैं आपके बेसिकली, इसको आप अब यहाँ ना दिखा के कहाँ दिखाएंगे, एज अ मल्टीपल बॉन्ड. अगर आप इसका एक और ट्रिपल बॉन्ड बना दें तो यहाँ पे अब आप देखें तो एक मिनट, यहाँ पे आपको हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना है बेटा. अरेंजमेंट इस तरीके से बनानी है कि कैसे भी करके उसका आप ऑक्टेट कंप्लीट कर दें बट कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके. आप देखें, आप ज़रा यहाँ एक बचा और यहाँ पे एक बचा लोन पे. तो अब कार्बन के देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ऑक्सीजन के पास में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. सो इन दैट वे नाउ द ऑक्टेट ऑफ ईच एटम इज कंप्लीटेड हेयर. 4 बॉन्ड नहीं बन सकते, ठीक है ना, ऑक्सीजन 4 बॉन्ड नहीं बना पाएगा. ऑक्सीजन मैक्सिमम वैलेंसी 3 ही शो करेगा, मैक्सिमम की बात कर रही हूँ. वैसे ऑक्सीजन जो ढंग से बॉन्ड बनाता है वो 2 ही बनाता है, तीसरा मुसीबत में बनाना पड़ता है इसको लोन पेयर शेयर करके. ये कंसेप्ट आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना. तो मैक्सिमम कोवेलेंसी जो ऑक्सीजन की रहती है वो 3 रहती है, तो 3 से ज़्यादा ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा. और एक चीज़ और बता दें, जो तीसरा बॉन्ड बना है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको भी मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करूँगी. सो दिस इज़ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर. अब नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड. अब टोटल काउंट कर ले वैलेंस, कार्बन के 4 हो गए, ऑक्सीजन के 6, तो 10, एक और ऑक्सीजन है 6, टोटल हो गए 16 इलेक्ट्रॉन्स. अब इनको इस तरीके से अरेंज करना है आपको कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और बचे कुचे को लोन पेयर बनाना है. तो ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है. अब अगर कार्बन 1, 2, 3, 4 ठीक है, 1, 2, 3, 4 अब देखें कार्बन के 4 4 हो गए,
8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। चलो कार्बन को छोड़ दो, अब हमने 16 में से कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिए, 8 बच गए। अब जो 8 बचे हैं वो कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि अब ऑक्सीजन तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा बन नहीं सकता। तो अब ऑक्सीजन के ऊपर ये बाकी बचे जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 लोन पेयर्स बनाएंगे, एक लोन पेयर हो गया, एक ही लोन पेयर हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए और एक लोन पेयर इस ऑक्सीजन पे गया, एक यहाँ पे गया, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बन गए। दिस इज द लुई डॉट स्ट्रक्चर। तो लुई डॉट स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस करने से आएगा, ठीक है बेटा। चलिए ऐसे ही ऑक्सीजन का बना सकते हैं SO3H2O2, तो आप इनको प्रैक्टिस करें, जहाँ डाउट हो मुझसे पूछ लें। नाउ नेक्स्ट इज़ द फॉर्मल चार्ज। अब फॉर्मल चार्ज भी निकालेंगे हम कि किस एटम के ऊपर कितना चार्ज होगा। जैसे मैंने बोला कि ऑक्सीजन जो है मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है, बट हमने कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने बॉन्ड बना दिए, 3 बना दिए, ठीक है ना। तो यानी कि अगर 3 बनाया है तो कहीं ना कहीं अब ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा। तो जब भी कोई एटम अपनी मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी से या तो ज़्यादा कर ले या कम कर ले, ज़्यादा करेगा तो भी चार्ज आएगा, कम करेगा तो भी चार्ज आएगा, अगर जितनी कैपेसिटी है उतना करेगा तो न्यूट्रल रहेगा। तो अब हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे कि अगर किसी एटम किसी मॉलिक्यूल के अंदर कोई अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कुछ चीज़ शेयर कर रहा है तो उस केस में उस एटम पे कितना चार्ज आना चाहिए। फाइन, सो इन पॉली एटॉमिक आयंस द नेट चार्ज इज़ द चार्ज ऑन द आयन एज अ होल एंड नॉट बाय पर्टिकुलर एटम। तो फॉर्मल चार्ज हमने जो निकालेंगे ना बेटा, ये पर्टिकुलर एटम के ऊपर निकालेंगे, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर नहीं निकालेंगे। फाइन, सो हाउ एवर चार्जेस कैन बी असाइन टू इंडिविजुअल एटम्स और आयंस, दीज आर कॉल्ड द फॉर्मल चार्जेस। तो पर्टिकुलर किसी हम एटम के बारे में या किसी पर्टिकुलर आयन के ऊपर जो हम चार्ज निकाल रहे हैं उसको हम जो भी चीज़ बोलेंगे, ये जो पर्टिकुलर एटम या आयन के रिस्पेक्ट में रहेंगे चार्ज, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। अब ये फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज निकालने का, क्या है कि पर्टिकुलर जिस भी एटम की बात कर रहे हैं उसके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें, उसमें से लोन पेयर्स माइनस कर दें या टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन्स है वो माइनस कर दें, और जो बॉन्डिंग है मीन जितने वो बॉन्ड बना रहा है बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके हाफ उसमें से माइनस कर दें। फॉर एग्जांपल आप ये ओजोन में देखें, ऑक्सीजन ओजोन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, यू कैन सी हेयर दिस इज़ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। आप ऑक्सीजन नंबर 1 पे हम चलो चार्ज निकालते हैं क्या निकलेगा। अब आप देखें ऑक्सीजन नंबर 1 में ऑक्सीजन के टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6। फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो। अब पहले ऑक्सीजन पे कितने हैं लोन पेयर, 1 लोन पेयर है, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 हो गए। अब नेक्स्ट माइनस हाफ ऑफ इट इज़ रिटन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मीन्स जितने बॉन्ड बना रहा है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे। अब फर्स्ट ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 6 हो गए, ये हो गए 6। हम ज़रा इसको डिवाइड करें तो 3 हो गया, तो ये हुआ 6 माइनस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो 1 आया, तो 1 यहाँ पे अगर कोई चार्ज नहीं है तो ये पॉजिटिव है, तो यानी कि ऑक्सीजन नंबर 1 पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, प्लस 1। यर दिस ऑक्सीजन विल शो द चार्ज प्लस 1, देखें यहाँ प्लस 1 चार्ज है। ऐसे ही अगर आप ऑक्सीजन नंबर 2 का निकाल सकते हैं, नाउ 6 इसकी वैलेंसी है, माइनस लोन पेयर्स कितने हैं, 2 लोन पेयर है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 माइनस 4 माइनस हाफ कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0, तो सेकेंड ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं आएगा। अब थर्ड ऑक्सीजन पे देखें, तो थर्ड ऑक्सीजन पे देखें तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, और जो लोन पेयर्स हैं इस पे वो भी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए लोन पेयर के, क्योंकि 3 लोन पेयर है तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप इसे सॉल्व करेंगे आंसर, तो यहाँ आंसर आएगा माइनस हाफ ऑफ, अब एक ही बॉन्ड बना रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर होंगे बॉन्डिंग के, तो यहाँ आंसर आएगा माइनस 1। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो चार्ज रहेगा वो माइनस 1 रहेगा। अब देखें ये प्लस 1 माइनस 1 क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन की जो टेंडेंसी है ना वो मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाने की है, ऑक्सीजन की वैलेंसी ही 2 है कि 2 बॉन्ड बना सकता है या मैक्सिमम कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है। तो अगर ये 2 से कम बॉन्ड बनाएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, 2 से ज़्यादा बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब अगर आप देखें ऑक्सीजन नंबर 1 को, ये ऑक्सीजन नंबर 1 3 बॉन्ड बना रहा है, 2 एक के साथ, 1 एक के साथ, टोटल 3 हो गए, कैपेसिटी थी 2 बनाने की बट ये ज़्यादा बना रहा है तो चार्ज क्या आया इस पे, पॉजिटिव।
ये दूसरा तरीका है देखने का जो बहुत ईजी है, आप ये किसी भी एटम के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं। आप दूसरे ऑक्सीजन को देखें, दो ही बना सकता है, दो ही बना रहा है, कोई चार्ज नहीं आएगा। तीसरे को देखें, दो बना सकता है, एक बना रहा है, कम बना रहा है, तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ऐसे ही आप नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है बेटा, ठीक है ना। नाइट्रोजन की वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम बताते हैं वैलेंसी, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 5 रहते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर ले तो कंप्लीट फुलफिल्ड हो जाएगा ये, तो वैलेंसी इसकी 3 हो गई। तो वैलेंसी 3 है तो 3 बॉन्ड बनाने चाहिए इसको। जो जहाँ पे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है वहाँ पे नाइट्रोजन न्यूट्रल है, जहाँ नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए वहाँ इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जहाँ नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड बनाए वहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फाइन, तो जितनी उसकी कैपेसिटी हो, अगर वो उससे ज़्यादा बनाए या कम बनाए तो उस पे चार्ज रहेगा। तो जो चार्ज हम निकालेंगे उसको हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। अब नेक्स्ट इज द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन हम करेंगे कि क्या लिमिटेशन है इसकी। इट इज़ सेइंग द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम्स इन सम कोवलेंट कंपाउंड सेंट्रल एटम हैज़ लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, दैट इज इट हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। लुइस ने बोला था बेटा कि वही कंपाउंड बनेंगे जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, लेकिन लेटर और हमें कुछ ऐसे कंपाउंड भी मिले जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बट स्टिल वो स्टेबल हैं और मिल रहे हैं हमें। तो ये इसकी लिमिटेशन आ गई कि इनकम्प्लीट जिनका ऑक्टेट है वो भी कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल LiCl, 2 ही इलेक्ट्रॉन है सेंटर में, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। BeH2, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो सेंटर एटम के, 4 हो गए, कंप्लीट नहीं है ऑक्टेट। BCl3, टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो सेंटर एटम के, 6, अगेन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बट स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द लिमिटेशन। नाउ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, अब हमने तो सारे बॉन्ड पेयर या लोन पेयर पढ़े हैं जिसमें दो दो पेयरिंग है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड भी एग्जिस्ट कर रहे हैं जहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन है, मीन्स सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है एज अ नॉन बॉन्डिंग। फाइन, तो ऐसे मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करते हैं, इनके बारे में भी लुइस ने नहीं बताया, और ये मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते। सो देर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स विच हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द ऑक्टेट रूल इज़ नॉट अप्लाइड फॉर ऑल दी एटम्स। अब आप देखें इस केस में, NO के केस में ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है बट नाइट्रोजन का नहीं है। नाइट्रोजन के पास एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, आप देखें यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही NO2 की बात करें, अब देखें ऑक्सीजन का यहाँ का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है बट बीच वाले का नहीं है कंप्लीट, एक इसके पास और इलेक्ट्रॉन आ गया। सो और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं, ये भी एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट एक्सपेंडेड ऑक्टेट। अब कई मॉलिक्यूल्स ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं जहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट ज़्यादा ही हो गया, ज़्यादा इन द सेंस कि सेंटर वाले एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे था सेंटर के पास 8 से कम है। अब कुछ ऐसे कंपाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं जो जिनके पास इलेक्ट्रॉन मोर देन सेंटर में 8 प्रेजेंट हो, तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट भी कंपाउंड प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल PF5। अब फॉस्फरस में अगर आप काउंट करें ना इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको कितने दिखेंगे यहाँ पे, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सेंटर में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट रूल वॉयलेट हो गया यहाँ पे। SF6, यहाँ सेंटर में सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट रूल वॉयलेट हो गया यहाँ पे। सो इट मीन्स कुछ ऐसे कंपाउंड भी एग्जिस्ट करेंगे जिनका ऑक्टेट एक्सपैंडेड है। फाइन, और ये चीज़ भी लुइस ने एक्सप्लेन नहीं करी। लुइस के अकॉर्डिंग ऐसे मॉलिक्यूल्स नहीं एग्जिस्ट करेंगे बट एक्चुअल में ऐसे मॉलिक्यूल्स आगे जाके हमें मिले, एग्जिस्ट करें, और वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहे थे, तो फिर अब उनका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें हमारे आगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। तो इस वजह से लुइस की थ्योरी यहाँ फेल हो गई, और नेक्स्ट थ्योरी हमारी आई जिसको हम बोलते हैं VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपेयर रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। फाइन, वो थ्योरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी।